हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि झूठे लेबर पेन क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हमें जो है कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि ये जानने की कि लेबर पेन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये किस तरीके से होते हैं। तो आज मैं आपको वही पूरी बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर द्वारा हमें जो है डिलीवरी की डेट दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईडीडी, मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ठीक है, इस डेट का मतलब होता है कि आपकी डिलीवरी इसके आसपास हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जरूरी नहीं है जो हमें डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दी है उसी डेट को हमारी डिलीवरी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिलीवरी जो है सब डिलीवरी डेट से पहले ही हो जाती है, काफी दिन पहले, लगभग एक महीने पहले या फिर 15 दिन पहले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी डेट आने के बाद भी हमारी डिलीवरी नहीं होती है, उसके बाद में होती है। वो सारी हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रेगनेंसी कैसी है, प्रेगनेंसी में किस तरीके से रहते हैं, हमारा बेबी कैसा है, तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि झूठे लेबर पेन क्या होते हैं। जब हमारा 6 मंथ स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तो आप अक्सर नोटिस करेंगे कि आपको जो है कभी कभी बहुत तेजी से दर्द उठेगा। जिस अवस्था में आप बैठे हैं, अगर आप जो है उस अवस्था को चेंज करते हैं तो वो दर्द जो है बिल्कुल चला जाता है। तो उसके बाद में फिर 1-2 घंटे बाद आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन बाद फिर वही दर्द आए, फिर उसके बाद चला जाए। जो दर्द होते हैं ना, ये लगभग हमारे 8वें महीने में भी यही कंडीशन रहती है और 7वें महीने में भी यही कंडीशन रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है। तो हम इन्हीं को ही झूठे लेबर पेन कहते हैं। तो इनमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा 9 मंथ चल रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो दर्द है वो हमारा डिलीवरी का ही दर्द है, क्योंकि हमारे 9 मंथ में भी झूठे लेबर पेन बिल्कुल आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब 9 मंथ में आपका पेन आ रहा है तो फिर वो आपका डिलीवरी का ही दर्द हो सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं होता है। मैं आपको कुछ साइन बताऊंगी जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये आपका लेबर पेन झूठा है या फिर आपका डिलीवरी वाला दर्द है। ये दर्द जो होता है वो बिल्कुल ही अलग हटके दर्द होता है। आपका डिलीवरी का दर्द जब स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहला इसका साइन जो होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपका जो दर्द होगा, मान लीजिए पहला दर्द आपको आया, उसके साथ साथ आपको जो है कमर में भी काफी तेज दर्द होगा और साथ ही में आपका जो पेट होगा वो एकदम से कड़क हो जाएगा। आप उस समय अपना हाथ रख के देखिए। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब दर्द हमारा स्टार्ट हो जाता है तो साथ में आप अपने प्राइवेट पार्ट से कुछ आपको चिपचिपा सा पदार्थ निकलता हुआ महसूस होगा और इसमें जो है ये हल्का सा सफेद और हल्का सा ये लाल कलर का भी दिख सकता है। होता क्या है कि जब हमारा दर्द स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ ही साथ हमारा जो है हल्का सा सफेद सफेद पदार्थ और ब्लड मिक्स करके हल्का हल्का निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इससे ये सबसे बड़ा साइन होता है कि हमारा जो डिलीवरी का दर्द है वो स्टार्ट हो चुका है। जब आपका ये दर्द स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको एकदम से दर्द आएगा, उसके बाद भी ये चला जाएगा, फिर हो सकता है कि आधा घंटे बाद दर्द आए। जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो इसी तरीके से होती है, स्टार्टिंग में एकदम से दर्द नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपको एकदम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, प्योर ब्लड, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ब्लड इस तरीके से है जैसे आप टॉयलेट करते हैं, या फिर जो है आपका एकदम से पानी पूरा ऊपर से नीचे तक पानी जैसा टपकने लग जाए, एकदम से आपके पूरे पैर गीले हो जाए, आपके कपड़े गीले हो जाए, आप जहाँ पे बैठे हैं वो जगह गीली हो जाए, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपकी पानी की थैली फट चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमारा दर्द स्टार्ट हो उसके बाद ही पानी की थैली फटे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दर्द स्टार्ट नहीं होता है, उससे पहले ही पानी की थैली फट जाती है। तो आपको उस कंडीशन में भी यही करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपके अगर दर्द नहीं चालू है और आपका टाइम पूरा हो चुका है तो डॉक्टर आपके जो है बच्चेदानी के मुंह पर पे दवा लगाएंगे दर्द चालू करने वाली, जिससे जो है दर्द स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दर्द स्टार्ट हो जाए और आपका चिपचिपा सा पदार्थ चालू हो जाए तो आप पहले चेक कर लें एक बार में, अगर वो बिल्कुल रेड नहीं है और वो बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, तो ये जो पदार्थ होता है वो आपके हाथों में चिपचिपा सा महसूस होगा। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर आप क्या करें कि ऐसे आपके दर्द है तो आप आराम से उनको लें। लेबर पेन का जब स्टार्टिंग का दर्द होता है तो वो आराम से बर्दाश्त कर सकती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये दर्द जो होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल रुक रुक के आता है, लेकिन जैसे ही हमारा डिलीवरी का टाइम नजदीक आता जाता है वैसे ही हमारे जो दर्द होते हैं उनमें जो गैपिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर क्या होगा कि टाइम घट जाएगा, मतलब 15 से 20 मिनट बाद फिर आपका दर्द आएगा, जो है 4 से 5 मिनट बाद दर्द आएगा, फिर जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा फिर आपका जो है 1 से 2 मिनट के अंदर
दर्द आएगा, फिर जब आपका टाइम बिल्कुल ही करीब आ जाएगा फिर आपको लगातार दर्द होंगे, जब आपका बच्चा बिल्कुल बाहर आने वाला होगा उसके बाद में आपके जो दर्द स्टार्ट होंगे वो बिल्कुल लगातार दर्द होंगे और बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। जब ये लगातार दर्द होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कमर में लगातार दर्द होगा, लगातार आपके पेट में दर्द होगा और एकदम से बहुत ही तेजी से दर्द आएगा, एकदम से चला जाएगा, फिर हर सेकंड बाद दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बस आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा बस बाहर आने वाला है। जब आपकी ये कंडीशन हो जाए कि आपका दर्द लगातार होना स्टार्ट हो जाए तो आप जो है तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं, और जब आपके दर्द स्टार्ट हो जाए तो आप जो है बैग वगैरह अपना बिल्कुल रेडी करके रखें। और मैं आपको बता दूं, जब हमारी पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो ये दर्द बढ़ने में ना काफी टाइम लग जाता है, मतलब जो हमारी बच्चेदानी का मुंह होता है वो पहली बार में तुरंत नहीं खुलता है, लगभग 10 से 12 घंटे आराम से लग जाते हैं, और किसी किसी केस में जो है ये बच्चेदानी का मुंह वो 8 से 9 घंटे में भी खुल जाता है, तो किसी किसी का 4 से 5 घंटे में भी खुल जाता है। और ये आपकी प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा है, आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहे कि नहीं रहे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपके लगातार दर्द आना स्टार्ट हो जाए तो आपको बुरी तरीके से जो है उठना नहीं है, बुरी तरीके से बैठना नहीं है, दर्द आपको जो है आराम से लेने है। जब भी आपको दर्द आए तो आप जो है नीचे को सांस दें, नीचे को प्रेशर दें और आप जो है उकरू बैठ के दर्द लें। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है नीचे को आएगा और जितनी जल्दी आप बच्चा नीचे को आएगा उतना ही जल्दी आपकी जो है डिलीवरी हो जाएगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दर्द लेते समय नीचे को सांस दें, गलती से भी ऊपर को ना लें। अगर आप सांस ऊपर को लेती हैं बच्चा जो है ऊपर को बढ़ेगा, तो आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। और आप उस समय अपने पार्टनर को अपने साथ में रखें या फिर आप अपनी सासू माँ को साथ में रखें। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपका डिलीवरी का दर्द स्टार्ट हो जाए तो आपको गलती से भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, बिल्कुल हल्की मात्रा में खाएं। आप पानी ज्यादा पिए, आप चाय पी सकती हैं, आप दूध पी सकती हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि उस समय हमें भूख वगैरह भी लगती, तो आप बिल्कुल खाइए, हल्का खाइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है ना तो उस समय जब बच्चा बिल्कुल बाहर आने को होता है तो हमको नीचे को बहुत तेजी से प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमारी जो अंदर पोटी वगैरह होती है, जो यूरिन वगैरह होती है, वो सारी पास हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि जितना भी कुछ होता है हमारे पेट के अंदर वो सारा ही बाहर आ जाता है। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसमें 8 से 10 घंटे जरूर लगते हैं क्योंकि ये नॉर्मल होता है बिल्कुल। इस बीच अगर हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हमारे घर वाले घबरा जाते हैं, तो फिर एक ही ऑप्शन होता है कि फटाफट से सिजेरियन हम करवा लें। तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी में हमें 8 से 10 घंटों का ही दर्द झेलना पड़ता है, उसके बाद में हमको आराम ही आराम है, आराम से हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मनपसंद खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी परहेज नहीं होता। लेकिन सी सेक्शन में हमें सिर्फ 5 मिनट पता नहीं चलता, उसके बाद हमको लगभग 6 महीने पूरा परेशानी रहना पड़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, होता क्या है कि जब हमारे दर्द स्टार्ट होते हैं तो कुछ लेडीजें इस टाइम पे बहुत चिल्लाती हैं, बहुत रोती हैं, बुरी तरीके से चीखती हैं, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको शांत रह के दर्द लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा चीखेंगी, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगी या फिर आप बुरी तरीके से दांतों पे प्रेशर डालेंगी तो इससे जो है आपको काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जो पहली डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, मेरी डिलीवरी में लगभग 24 घंटे का टाइम लग गया था। इसका रीजन ये था कि मेरी बच्ची के गले में जो है नाल फंसा हुआ था, तो 24 घंटे मुझे दर्द झेलना पड़ा था। बस मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसी समय थोड़ा सा परेशानी होती है और उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। और हाँ, अगर आपके बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ है, अगर आपके बच्चे के सिंगल नाल फंसा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके बच्चे के गले में कभी कभी डबल नाल भी फंस जाता है तो उस समय नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।